ये देखें, ये जो है नल तोड़ दिया और अभी ज्यादा फिनिशिंग नहीं आ रही है क्योंकि कलर वही है, पर्दा डाल दिया क्योंकि बहुत तेज हवा आती है। गई है तभी खराब नजला खांसी। तो फिर अस्सलाम वालेकुम, और आज से जो है हमारा न्यू ब्लॉग स्टार्ट हुआ है और आज है संडे। और मैं आपको बता दूं कि अभी घर की जो है थोड़ी बहुत ही यानी काम हुआ है और बाकी सब रह गया, कलर भी रह गया कि हमारे घर पर कुछ भी हुआ। और ये है साथ रात को, साथ की जो है थोड़ी सी पिटाई हो गई है क्योंकि साथ थोड़ी बदतमीजी कर रहे थे अपने पापा से, तो इन्होंने पापा ने इनको डांटा, तो इन्होंने जो है वॉशरूम में बैठे हुए थे उसका नल तोड़ दिया। वो बेचारे लगे हुए काम कर रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये जो है नल तोड़ दिया है, उसको सही करने में लगे हैं, पाइप वाइप निकाले हुए सब। कहाँ से टूटा है भाई बता दो ना। ये टूट गया था ना, ये नल लगा हुआ था ना, ये यहाँ से मैंने यूँ लात मारी ना साथ में, तो ये ठीक हो गई। मैंने एक लाइन वाला तेरा बना के लगाया। सही, तो ये टूट गया है और इसको सही किया जा रहा है। ये रात को पिटे थे और इनके पेपर, और फिर साथ के जो है वो पेपर शुरू हो गए हैं, तो आज भी इनको ट्यूशन बुलाया है, अभी ट्यूशन जाएंगे। और ये देख लीजिए कितने लगे हैं टाइट, और अभी ज़्यादा फिनिशिंग नहीं आ रही है क्योंकि कलर वही है, कलर हुआ नहीं है। और थोड़े से ये भी साफ़ होंगे क्योंकि इन पर पूरा सीमेंट लगा हुआ है अभी, तो इनको करना है क्योंकि अभी तो सिर्फ तरंगियाँ ही हो रही हैं इनकी क्योंकि अभी मैं नहीं है। और पीछे का जो है वो ये है, देख लीजिए यहाँ हमने पर्दा डाल दिया क्योंकि बहुत तेज़ हवा आती है, और यहाँ हमने रख दी है मोटर, और ये तो अभी इसका खाली पड़ा हुआ है, अभी देखते हैं क्या करना है इसका क्योंकि ये जगह बहुत छोटी है, इसमें कुछ भी नहीं आ पा रहा है। मैं सोचा तो यही था कि अलमारी रख देंगे, लेकिन अलमारी भी नहीं आ पा रही है। चलो तुम जल्दी चलो मुँह हाथ धो, ट्यूशन जाना। अच्छा दोस्तों, यास्मीन ने आज बनाया है टिक्का और इसके साथ बनाया है वाइट पुलाव, सही ना। और असाद जो है, असाद की फरमाइश पे दो तीन दिन से ये कह रहे थे कि भाई मुझे टिक्का पुलाव खाना है। असाद मज़ा आ रहा है। इससे पहले इन्होंने एक और डिश बनाई थी आलू कीमा मटर की ना, लेकिन असाद को टिक्का ही खाना था, तो असाद ने जो है बिल्कुल भी आलू मटर पे फोकस नहीं किया, टिक्के के पीछे लगे हुए थे। तो उस दिन मैंने बाजार से ला के भी दे दिया था, लेकिन फिर आज इन्होंने बोला चलो आज घर में बनाते हैं, तो फिर मैं ये लेके आया बाजार से चिकन, और फिर यास्मीन ने इसका टिक्का पुलाव बनाया, सही है साथ। अब रनित मेरी तो हो गई है तभी ख़राब, नज़ला खांसी हो रहा है बहुत ज़्यादा, वो सर्दी भी बहुत लग रही है, तो अभी फ़िलहाल मैंने इनकी जैकेट पहन ली है। और ये लोग खेल रहे हैं बाहर, मैच खेल रहे हैं, दोनों क्रिकेट खेल रहे हैं, अभी दिखाती हूँ आपको। और मैं बनने के लिए अभी रख के आई हूँ चाय, चाय भी बन रही है साथ साथ, और तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही है अभी, अभी दिखाती हूँ आपको। भाई ये रहे ये लोग बाहर, जो इन लोगों ने पूरा गेट खोला हुआ है और बाहर क्रिकेट खेल रहे हैं। ये साथ के पापा असाद, असाद जो है वो बॉल ढूंढने में लगे हैं। ये रहे नहीं, मेरे ऊपर नहीं मारना बॉल। सारा रन तो ले लो भाग भाग के। वही भाग रहा है, वही भागना पड़ रहा है, वो बच्चा नहीं है ना जिसका। आओ हाय गाइस। तो गाइज आज जो है संडे है, और सुबह ही सुबह आ गए थे हमारे मेहमान भाई आए हुए थे, तो वो दोपहर में गए, तो अब जो है वो घर बिल्कुल क्लीन हो चुका है, साग को नहला दिया है अच्छी तरीके से, ये हो चुके हैं साफ और तैयार कर दिया इनको क्योंकि हम अभी जा रहे हैं, सब कुछ क्लीन हो चुका है। और असाद के पापा भी जो है फ्रेश होके बैठे हैं, ये रहे मैं भी आया हूँ असर की नमाज पढ़ के, और बस जाने की तैयारी है, ये लोग अभी तक तैयार नहीं है, मतलब तैयार हो गए होंगे। हाँ बस अभी हम निकलेंगे, सब कुछ मैंने अभी जो है भाई के जाने के बाद क्लीन किया है, और अब हम निकल रहे हैं, बस अब मैं बस तैयार होती हूँ फिर निकलता है। सब फ्रेंड्स हम लोग अब जा रहे हैं, हो चुके हैं बिल्कुल रेडी, और ये मैंने न्यू स्टॉलर दिया था, ये देखें इस ब्लू वाले भाई के साथ, और साथ भी रेडी हो चुके हैं, ये देख, और इनके पापा चीख रहे हैं वहाँ से, कह रहे हैं चलो चलो।
बस अब जाते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स आज बना ली है थोड़ी सी बिरयानी, दम पे लगा दी है और साथ में बना लिया सलाद और बस सिर्फ दही फेंटी है, यानी सादी दही खाएंगे और सलाद लीमू वाला सलाद बना लिया। अब मैं बिरयानी को खोलती हूँ, दम पे लगाई हुई थी मैंने, ये देखिए भाई इसमें जो है ना थोड़े वाइट वाइट हैं चावल और दम पे लगाई हुई थी मैंने, देख लीजिए धुआं उठ रहा है। अभी मैं इसको चलाती हूँ सही से, दिखाती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स देख लीजिए मज़ेदार से आलू और बोटियो वाली बिरयानी हमारी तैयार है, यानी बिरयानी में मैंने जो है ना आलू भी डाले थोड़े से, तो ये रेडी हो गई है। और साथ आ गए हैं ट्यूशन से, तो वो जो है चला रहे हैं कार अपनी। और सामने वाली दीवार पहले बहुत ही अजीब सी लगती थी मुझे, इसलिए मैंने ना ये टाइल लगवा ली है और ये अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लग गया है खाना, देख लीजिए हमारी जो बिरयानी, हम लोग खाएंगे खाना बस, ये बैठे हुए साथ और इनके पापा जो हैं वो हैं दुकान पे, अभी वो आ जाएंगे तो फिर हम लोग खाना खाना शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स आज फिर से हम जा रहे हैं थोड़ा सा काम से और अभी निकल रहे हैं बस, और साथ भी रेडी है बिल्कुल, थोड़ा सा काम है हमें बाहर वो करके आते हैं जल्दी से। और साथ के पापा भी वहाँ बाहर खड़े हैं, लाइट जो है वो गई हुई है और मैं भी ये रही रेडी हूँ बिल्कुल, बस अभी हम निकलते हैं। चलो चलो चलो। तो फ्रेंड्स देखें यहाँ पे हद से ज़्यादा सर्दी हो रही है और ओस गिर रही है और सामने को सही से नज़र भी नहीं आ रहा है, तो जितनी सर्दी होती है ना उतनी ही तकलीफ बात होती है। तो फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी लाजमी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।